दोस्तों मोटर चल चुकी है। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लिच प्लेट सिंगल फेस मोटर का कनेक्शन करना। दोस्तों हम सीखेंगे इसके अंदर जो क्लिच प्लेट लगी है उसका कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है और जो कैपेसिटर लगाकर दोस्तों हम कनेक्शन करना सीखेंगे और देखेंगे दोस्तों ये मोटर कहीं अर्थ तो नहीं है वाइंडिंग का। दोस्तों हम चेक करके पूरा उसके बाद दोस्तों हम चला कर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये जो वायर दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी इस मोटर की, ये जो दोस्तों वायर है वो दो वायर दोस्तों है इसकी जो रनिंग वाइंडिंग की है, दो वायर दोस्तों इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की है और ये दो वायर है दोस्तों वो क्या है क्लिच प्लेट की है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना चाहिए कि दोस्तों जो सीरीज में बल्ब लगाकर या दोस्तों हमें जो मल्टीमीटर से हमें चेक करना चाहिए, तो उसके बाद ही दोस्तों हमें कनेक्शन करना चाहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे ये मोटर कहीं अर्थ तो नहीं है। ये दोस्तों हमारे पास सीरीज में जो बल्ब लगाकर इसको चेक करेंगे सॉरी वाइंडिंग को, और फिर देखेंगे कि जो मोटर को चला के इसके कनेक्शन करके इसमें दोस्तों देखेंगे रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और जो क्लिच प्लेट है उसके कनेक्शन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको हम जो एक वायर है उसको इस पर जो सीरीज बल्ब होल्डर बल्ब का है दोस्तों एक वायर लगा कर चेक करेंगे। ये दोस्तों इसके साथ बल्ब जल रहा है यानी दोस्तों ये इसके साथ अटैच है। अब इसको देखेंगे दोस्तों कोई दूसरी वायर के साथ कोई अर्थ तो नहीं है। ये दोस्तों हम देख रहे हैं इसके साथ भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये क्लिच प्लेट है। ये जो दो वायर है इसके साथ ही हम देख रहे हैं। अब दोस्तों हम उसके बाद देखेंगे जो अर्थिंग चेक करके यानी दोस्तों जो वायर है उसके साथ अर्थ देखेंगे कहीं अर्थ तो नहीं हो रहा हमारी वायर के साथ। पूरी जो है आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, तो ये सभी वायर के साथ देखेंगे एक एक करके कहीं तार टच तो नहीं हो रही, या दोस्तों कई बार क्या है वाइंडिंग भी अंदर से शॉर्ट हो जाती है। ये दोस्तों क्लिच प्लेट है इसकी वायर है, ये भी दोस्तों क्या है शॉर्ट नहीं है। अब दोस्तों हम देखेंगे जो अप्स में जो कंटिन्यूटी किस किस की बोल रही है वायर की, इन दोनों की दोस्तों बोल रही है यानी ये एक वायर है। ये दोस्तों हम देख रहे हैं दोस्त जो किसी के साथ अर्थ तो नहीं है यानी ये दोस्तों अर्थ नहीं है, तो ये दोस्तों दोनों एक वायर हो गई यानी दोस्तों ये जो वायर है वो क्या है एक वायर हो गई। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे ये जो अलग अन्य वायर, ये दोस्तों जैसे ये वायर है दो इसके अंदर, ये दोस्तों कंटिन्यूटी बोल रही है यानी ये दोस्तों एक अलग वायर है इसके साथ दोस्तों देखते हैं अर्थ तो नहीं है, नहीं है। दूसरी दोस्तों अब ये वायर देखते हैं ये किसके साथ कंटिन्यूटी बोल रही है यानी दोस्तों ये दो एक वायर है यानी दोस्तों एक ये वाइंडिंग की है और ये एक वाइंडिंग की है और ये दोस्तों ये जो क्लिच वायर है वो हमारे को यहाँ से दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि ये दो ऊपर से आई है इसलिए क्लिच वायर है। तो फिर भी दोस्तों हम इसको कंटिन्यूटी टेस्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो क्लिच की वायर है वो बिल्कुल शॉर्ट होगी इसलिए दोस्तों इसमें बल्ब है वो क्या तेज जलेगा। और दोस्तों मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें रनिंग वायरिंग का कैसे पता चलता है और स्टार्टिंग वायरिंग का कैसे पता चलता है और दोस्तों जो क्लिच वायर है उसका कैसे पता चलता है। दोस्तों ये जो वायर है इसको पहले टच करेंगे बल्ब, टच करने के बाद दोस्तों जो बल्ब की तरफ देखेंगे हम, उसके बाद दोस्तों ये जो वायर है इसको टच करेंगे। अब ये दोस्तों दो वायर है जो इनकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। अब दोस्तों जो ये दो वायर है दोस्तों इसमें काफ़ी तेज़ बोल रही है कंटिन्यूटी, इसका मतलब दोस्तों ये जो वायर है वो क्या है क्लिच प्लेट की है, क्योंकि दोस्तों ये क्लिच प्लेट है जो कनेक्शन होते हैं वो क्लिच प्लेट बिल्कुल शॉर्ट होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब मोटर जो चल रही नहीं होती है तो उस समय क्लिच प्लेट है वो शॉर्ट है। और ये जब जैसे दोस्तों इस 50 से 60 आरपीएम चलेगी दोस्तों उसके बाद जो क्लिच प्लेट के कनेक्शन है वो अपने आप खुल जाएंगे। ये दोस्तों स्टार्टिंग वायर है, इनमें बल्ब कम जल रहा है, इसका मतलब दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग वायर का जो प्रतिरोध होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका मतलब दोस्तों इसमें जो सीरीज में बल्ब है वो कम जलेगा और जो रनिंग वायर है दोस्तों उसमें क्या है प्रतिरोध थोड़ा कम होता है इसलिए इसमें जो बल्ब है वो ज़्यादा जलेगा। ये देख रहा हूँ तो इसलिए दोस्तों हम कनेक्शन करते हैं कैसे करेंगे। और ये दोस्तों हमारे पास जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर है इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये मोटर का ही कनेक्ट कैपेसिटर है। ये दोस्तों आपको प्रीमेको कंपनी का मोटर कैपेसिटर है 40 माइक्रो का, ये जो कैपेसिटर है इसको लगाकर हम चलाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो रनिंग वायर है दोस्तों उसको क्या करें, एक जो रनिंग वायर लेंगे और एक दोस्तों जो स्टार्टिंग वायर है उसको हम क्या करें इसको अटैच करेंगे, यानी जो रनिंग वायर और जो स्टार्टिंग वायर है उसको क्या करेंगे हम इसको साथ में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद दोस्तों अब क्या है, ये दोस्तों हो गई अटैच हो गई, उसके बाद दोस्तों ये है स्टार्ट रनिंग वायर और दूसरा सिरा स्टार्टिंग वायर का। अब दोस्तों ये जो स्टार्टिंग वायर है इसको क्या करेंगे हम, जो
यहाँ पे दोस्तों ये क्लिच प्लेट का जो एक वायर का हम जो क्लिच प्लेट की जो एक वायर का कनेक्शन है स्टार्टिंग वायर की जो है वो उसके साथ करेंगे दोस्तों। उसके साथ क्लिच प्लेट का हम कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये जो क्लिच प्लेट की वायर है दोस्तों, ये क्लिच प्लेट की वायर अब रहेगी दोस्तों, और ये जो रनिंग वायर है, अब दोस्तों जो कैपेसिटर का जो एक हिस्सा वो रनिंग वायर में लगाएंगे, यानी इसमें रनिंग वायर में, और दूसरा जो सिरा है दोस्तों वो क्या करेंगे, क्लिच प्लेट के वायर के पास साथ लगा देंगे। ये हमने क्लिच प्लेट के वायर में लगा दिया है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो क्लिच प्लेट के दो कैपेसिटर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या है क्लिच प्लेट के सीरीज में हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये जो मोटर है 50 से 60 RPM चलेगी तो क्या क्लिच प्लेट क्या है इस कनेक्शन को अलग कर देगी। अलग करने के बाद दोस्तों क्या है, ये जो हमारा कैपेसिटर काम क्या करता है दोस्तों, ये सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क देता है जो मोटर को। स्टार्टिंग टॉर्क देने के बाद दोस्तों ये जो कैपेसिटर है वो क्या है, इसके अंदर से क्लिच प्लेट है वो इस कैपेसिटर के जो कनेक्शन है उसको अलग कर देगी, और ये रनिंग वाइंडिंग पर मोटर हमारी चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों जो कैपेसिटर का काम है सिर्फ इसमें स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम है। अब दोस्तों हमने ये कनेक्शन कर दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा एक जो रनिंग वायर है और स्टार्टिंग वायर का जो अटैच में किया है रनिंग और स्टार्टिंग वायर के, एक जो दूसरा दोस्तों जो पॉइंट बचा है रनिंग वायर कैपेसिटर के साथ अटैच करेंगे, और दूसरा जो एक ये जो कैपेसिटर का दूसरा जो इसको करेंगे दोस्तों हम क्लिच वायर के साथ, और क्लिच वायर का दूसरा जो पॉइंट है उसको करेंगे हम दोस्तों स्टार्टिंग की वाइंडिंग के साथ, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों क्या क्लिच प्लेट अलग करेगी। तो अब दोस्तों हम चला के देखते हैं सबसे पहले मोटर को, चला के देखेंगे दोस्तों हमें दोस्तों जो मेन वायर है दोस्तों एक को हम कॉमन की हुई वायर है कॉमन वायर में जोड़ेंगे हम मेन सप्लाई की, और दूसरी वायर है दोस्तों वो जगह है फिर रनिंग पॉइंट में जो वायर है रनिंग वायर आ रही है तो रनिंग में जोड़ेंगे, एक को कॉमन में जोड़ेंगे और दूसरा दोस्तों जो लाल है रनिंग में जोड़ेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से सप्लाई चालू करेंगे, चला कर देखेंगे दोस्तों मोटर को। ये दोस्तों मोटर चल चुकी है आपके सामने दोस्तों, ये मोटर है। और दोस्तों जो इसके अंदर ये जो आवाज़ आ रही है जब मोटर चलाते हैं, ये कटक की जो आवाज़ आ रही है, ये दोस्तों क्या है, जैसे ही जो स्टार्टिंग में दोस्तों जो मोटर चलेगी तो मोटर को जो चल रही है उसको क्या है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या है अलग करने का काम कर रही है दोस्तों, वो अंदर जो कटक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, वीडियो रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि दोस्तों आने वाले जो वीडियो है वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।